हेलो दोस्तों, दिस इज़ आर डी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं मैच द ट्रेडिंग स्टाइल टू योर पर्सनालिटी। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर अब तक आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया ज़ीरोधा पे, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप अकाउंट बना सकते हो और हमारी प्लेलिस्ट को भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग टॉपिक के ऊपर। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो से नहीं ला रहा था, बिकॉज़ जो है मैं ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग्स ऑप्शंस एंड फ्यूचर के अंदर जो है ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने आज तक इस पर ट्रेडिंग नहीं किया, तो मुझे 10-15 दिन और लगेंगे इसको सीखने में। तो उसके बाद जो है मैं इन टॉपिक्स को भी कवर करूँगा, बट इस वजह से जो है मैं थोड़े दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये हमारा टॉपिक है मैच द ट्रेडिंग स्टाइल टू योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है कि आप क्या करते हो। सबसे पहले तो आप डॉक्टर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप क्या हो, तो ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप क्या हो। और उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आप जो है कितना टाइम जो है ट्रेडिंग में दे सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मच टाइम कैन यू डिवोट टू योर बिजनेस। कोई सा भी बिजनेस है, फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे कोई दूसरा बिजनेस हो, तो हम कितना टाइम ट्रेडिंग में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पर टाइम पीरियड्स आ जाते हैं, 8 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे या 2 घंटे। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, बिकॉज आप जॉब तो नहीं छोड़ोगे ट्रेडिंग के लिए। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा आपको कि आप जो है अपनी जॉब वॉब छोड़ के जो है फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम दे सकते हो। अब हम इसकी कैटेगरीज देखते हैं, अगर हम इतना इतना टाइम देते हैं तो हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप सारे के सारे काम कर सकते हो। आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और पोजिशनल ट्रेडिंग भी जो है आप कर सकते हो। ये ट्रेडिंग के टाइप्स हैं। स्कैल्पिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहा जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसका मतलब होता है कि आपने आज ही ट्रेड मारी, आज ही आपने सौदा उठाया और आज ही जो है उस सौदे को काट दिया। तो इसको जो है इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहा जाता है और फॉरेक्स मार्केट में जो है इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। अब इसके जो है नीचे के पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये पॉइंट्स क्या है, फोकस। सबसे पहले तो हमें जो है, अगर हम फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप जो है सुबह से शाम जो है ट्रेडिंग करते हो, 9:15 से 3 बजे तक का टाइम होता है, और करेंसी मार्केट का 4:30 तक इंट्राडे का होता है, 5 बजे क्लोज़ होती है, और जो है कमोडिटी 11:30 बजे तक रहती है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको फोकस चाहिए, बिकॉज ये लोग जो हैं जो इंट्राडे करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं, इनको जो है पूरा फोकस चाहिए होता है। बिकॉज जो है अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर भटके तो जो है सिग्नल्स मिस हो जाते हैं, बहुत सारे और भी जो है काम हो जाते हैं, SL लगाना भूल जाते हैं, TP लगाना भूल जाते हैं, जल्दबाजी का काम होता है, क्योंकि इंट्राडे है, ट्रेड मारे निकले। कंसंट्रेशन पूरा चाहिए होता है आपको, जो है आप ये नहीं कर सकते कि आप ट्रेड करते करते गेम भी खेल रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, नहीं, ये आप नहीं कर सकते। अगर आप SL TP मार के छोड़ देते हो तो भी आपसे जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिस हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंट्राडे और डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके अंदर जो है ये दो काम आते हैं। क्विक थिंकिंग होता है कि जैसे ही सेटअप बना तभी आपको सोचना होता है क्या मुझे ये लेना चाहिए, क्या ये ठीक सेटअप है। अब बिकॉज़ अगर आप उस टाइम पे ट्रेड नहीं लोगे तो मोमेंट्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर वो जो है सेटअप निकल जाता है हाथों से। तो क्विक थिंकिंग होती है, क्लोज एट एंड ऑफ द डे। आज के अंदर आपको जो है ट्रेड क्लोज़ करनी है। इंट्राडे के अंदर यही होता है कि आज आपने ट्रेड लिया, आज आपने सौदा उठाया, तो आज में आपको वो क्लोज़ करना है। इम्पेशेंस, बेताब ज़्यादा रहते हैं लोग, बिकॉज जो है इसके अंदर क्या होता है, बेताबी तो बनी रहती है, बिकॉज थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है सिग्नल्स आते रहते हैं, तो इसलिए जो है बंदा रहता है, और एक्साइटमेंट भी जो है उसमें बनी रहती है, बिकॉज सिग्नल्स जो है डेली के आपको 10-15-20 सिग्नल्स भी जो है मिल सकते हैं, जबकि बाकी कैटेगरी स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग में ये सब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। क्विक रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको जो है रिफ्लेक्सेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कि आपने सेटअप देखा, सेटअप देखते के साथ ही आपको ट्रेड मारनी है। अगर आप 2-4-5 मिनट के लिए भी इधर उधर हो गए तो आपसे जो है सेटअप्स मिस हो सकते हैं। तो ये जो है कैटेगरीज हैं। और फुल टाइम ट्रेडर के पास ऑप्शन होता है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है, डे ट्रेडिंग भी, पोजिशनल ट्रेडिंग भी। तो ये एक ऑप्शन है जो फुल टाइम ट्रेडर करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस कैटेगरी में करना चाहते हो तो इस कैटेगरी में कर सकते हो, बाकी कैटेगरीज में बता रहा हूँ, अगर उसमें करना चाहते हो तो उनमें भी जो है आप ट्रेड कर सकते हो। अब है ट्रेड ओनली लिक्विड पेयर्स, जिसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, मतलब जिसमें जो है स्मॉल कैप कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, लार्ज कैप कंपनीज़ में जो है ये एक सजेशन है कि आप जो है इन पेयर्स में करो, जिसमें जो है आपका
लिक्विडिटी बनी रहे, आपको बायर्स एंड सेलर्स हर जगह पे अवेलेबल रहे, जहाँ पर भी आप उसको सेल करना चाहते हो आप सेल कर सकते हो, जहाँ पर भी बाय करना चाहते हो बाय कर सको। तो ये जो है एक सजेशन है, ट्रेड ओनली द हाई वॉल्यूम टाइम, तो ये जो है मेनली रहता है कॉमोडिटी वालों के लिए और करेंसी वालों के लिए। जो लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं और कॉमोडिटी में करते हैं, ये EST का टाइम लिखा हुआ है इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 से कितने 12:30 से 2 बजे तक का रहता है, और जो है शाम को 6:30 बजे से सॉरी 5:30 से 9:30 बजे तक न्यूयॉर्क सेशन रहता है। तो ये जो है टाइम है, इस टाइम पे आपको जो है ट्रेड करना चाहिए अगर आप जो है हाई वॉल्यूम देखना चाहते हो, मूवमेंट आप ज़्यादा कैच करना चाहते हो, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब जो है इफ़ स्ट्रिक्टली टेक्निकल देन अवॉइड न्यूजेस, तो इसमें बोला जाता है जो डे ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं कि आप जो है न्यूजेस से बच के रहिए। जैसे अगर इंडियन मार्केट में कोई सी भी न्यूज़ आने वाली है, PNB का कोई स्कैम आया आपको जो है आज 5 बजे के बाद पता चला, तो आप पता है कि कल उसका जो है इफेक्ट होने वाला है, तो न्यूज़ टाइम से जो है आप बच के रहिए। जिस दिन न्यूज़ हो उस दिन ट्रेड ही मत कीजिए। तो ये जो है स्कैल्पिंग होता है और डे ट्रेडिंग के अंदर हमें जो है ये बातें ध्यान में रखनी होती हैं और ये हमें करना होता है जो टॉपिक्स मैंने बताए। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, आपके पास 4 घंटे हैं, बहुत है, इनफ है भाई, 4 घंटे बहुत होते हैं। तो आप जो है काफ़ी टाइम होता है 4 घंटे, बिकॉज आपको क्या है कि आपको एक तो रोज़ रोज़ ट्रेड्स को जो है क्लोज़ नहीं करना। देखो होल्ड फॉर सेवरल डेज है, मतलब कि आप काफ़ी दिन तक जो है ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हो। जो भी आपने स्टॉक जो है बाय किया है उसको जो है कम से कम 5-6 दिन हफ्ता भर जो है आप होल्ड कर सकते हो। तो ये जो है आपके पास काफ़ी टाइम रहता है एनालाइज़ करने का। आप आराम से सेटअप्स ढूंढिए, इसमें जो है आप 5 मिनट के चार्ट पे नहीं ढूंढते, H1 Day 4 या H4 के चार्ट पे जो है आवरली चार्ट या 4 घंटे के चार्ट पे और वीकली और मंथली चार्ट्स पे जो है आप डेटा निकालते हो और वहाँ पर जो है सेटअप्स को ढूंढते हो कि कौन सा सेटअप आपके हिसाब से ठीक है। इसमें यही है। अब जो है अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो आप जो है स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, ना आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज़ इसके अंदर जो है टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपके पास 4 घंटे हैं तो आप खाली जो है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग वो है जिसमें आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, आप जॉब से आ रहे हो थके हारे, तो जो है आपको कुछ नहीं करना। सेटअप ढूंढने के लिए 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं, तो वो आप अपने सेटअप्स ढूंढिए और जो है आप ट्रेड सेटअप ढूंढ लिए, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मूवमेंट का आपको कोई नहीं होता। 10-5 रुपये ऊपर नीचे भी चला जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आप जो है आपका TP जो है बड़ा रहता है, टेक प्रॉफिट बड़ा रहता है और जो है स्टॉप लॉसेस भी जो है आपके बड़े रहते हैं, बिकॉज़ काफ़ी लंबे मूव के लिए हम खेल रहे होते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में। तो पेशेंस जो है आराम से आपको बैठना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर, ये होता है। और ये सबसे बढ़िया कैटेगरी मुझे लगती है, अगर आपके पास 1 या 2 घंटे आप आराम से पहले सीखिए स्टॉक मार्केट को, उसके बाद जो है पोजिशनल ट्रेडिंग जो है 1-1.5 साल तक कीजिए। जब आपको दिख रहा है आप कंसिस्टेंट है तो आप जो है स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग एंड इंट्राडे के अंदर जो है एंटर होइए। उसके बाद इसमें जो है लार्ज स्टॉप लॉसेस होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया कि लार्ज जो है काफ़ी बड़े बड़े जो है स्टॉप लॉसेस लगते हैं, और जो है इसको जो है हम मंथ 1 मंथ 2 मंथ या सालों तक के लिए जो है हम होल्ड करते हैं, इसको जो है हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे रिलायंस का स्टॉक हमने अगर 1,000 रुपये पे ख़रीदा तो हम कह रहे हैं ये 1,500 तक जाएगा, तो वो 1,500 तक जाने के लिए उसको हो सकता है 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, हो सकता है वो 4 महीने में चले जाए, बट वो 1 या 2 दिन के अंदर नहीं जाने वाला, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो है हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, शॉर्ट टर्म का हम नहीं सोचते। उसके बाद फंडामेंटल रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें आपको जो है कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, करेंसी में कर रहे हैं तो आपको जो है करेंसी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए। तो और जो है टॉपिक इंडिपेंडेंट है, और जो है लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो है आपको कैपिटल रिक्वायर्ड लगेगा, बिकॉज़ आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे के अंदर जो है आपको लीवरेज जैसा ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि हमें जो है कंपनी थोड़ा सा फंड दे देती है जिससे जो है हम मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हमें जो है ये नहीं मिलता, तो हमें जो है फ़ंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें रिलायंस का स्टॉक बाय करना है और वो स्टॉक अभी 1,000 रुपये पे चल रहा है, तो एक स्टॉक बाय करने के लिए हमें 1,000 रुपये लगेंगे और 100 स्टॉक्स को बाय करने के लिए हमें 1,00,000 रुपये का फ़ंड लगेगा। और यही अगर हम स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग में देखें तो इसमें जो है कंपनी हमें लीवरेज प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि कंपनी हमें 10,00,000 रुपये तक का लोन दे देती है 1 दिन के लिए सिर्फ,
वो उसी दिन के लिए वैलिड रहता है और उस दिन के अंदर जो है हमें ट्रेड क्लोज करनी होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फंड ज़्यादा चाहिए, आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हैं, आपके टेक प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं, और आप इसका कॉन्क्लूजन निकालें तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया और बीच में भी बताया कि आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, जब आपको लगे आप 1-1.5 साल 2 साल तक कंसिस्टेंट हो जाओ, उसके बाद जो है आप धीरे धीरे जो है इसमें फुल टाइम आ सकते हो। बट 1-2 साल आप करो, और अगर आपको ये शूट करता है तो ठीक है, और नहीं करता तो इसको जो है छोड़ के निकल जाओ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप जो है ये मार्केट शूट नहीं की, बिकॉज़ ये हर बिज़नेस हर बंदे के लिए नहीं होता, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप 1-2 साल तक पोजिशनल ट्रेडिंग करो, उसके बाद जो है आप सोचना फुल टाइम आने के लिए या पार्ट टाइम 4 घंटे के लिए आने के लिए। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी ही और वीडियो जो है आने वाले दिनों में मैं डालता रहूँगा। तो इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।